Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Assalamu alaikum nazreen, aap sab ka istiqbal hai A18 Telangana News ke khas khabarname par. Aaj 2 November Tuesday yani mangal ka din hai. Aaye nazreen dekhte hain aaj ke khas khabarnama. हुजराबाद बाई इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट इटला राजेंद्र ने जीत हासिल की. उन्होंने कुल 22,735 वोट के मेजॉरिटी से जीत हासिल की. मिनिस्टर केटिया ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पिछले 20 साल में टीआरएस को कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं जीत हुई है, इस एक इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. मिनिस्टर केटिया ने तमाम टीआरएस के वर्कर से गुजारिश की है कि जी जान से मेहनत करने ताकि अगली बार टीआरएस को ही जीत मिल सके. तेलंगाना असेंबली में बीजेपी की आरआरआर टीम यानी राजा सिंह गोशा महल से, रघुनंदन राव दुबाका से और राजेंद्र इटला हुजराबाद से, ये बीजेपी की 3 अफराद जिन्हें आरआरआर टीम से बुलाया जा रहा है. तेलंगाना तरक्की के लिए क्या करते हैं देखना दिलचस्प होगा. अब शायद सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों में दुगना इजाफा कर देंगे ये आरआरआर टीम बीजेपी से. तेलंगाना रियासत में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए स्टेट बीजेपी लीडरशिप की जानिब से पीर के दिन तय किया गया कि मिलियन मार्च मुनक़िद किया जाएगा. नवंबर की 12 तारीख को कुल तेलंगाना रियासत में पार्टी जनरल बॉडी ने इस ताल्लुक से फैसला किए कि तेलंगाना रियासत में बेरोजगारी के खिलाफ मिलियन मार्च मुनक़िद किया जाएगा. इस इजलास में स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार भी मौजूद थे. साथ ही कहा गया कि बंडी संजय कुमार प्रजा संग्रामा यात्रा करेंगे 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 दिन के लिए, जो नवंबर 21 से जनवरी 10 तक मुनक़िद किया जाएगा. रेंट पर घर देने वाले मकानदार होशियार हो जाए. पुलिस का कहना है तकरीबन क्रिमिनल्स रेंट के घर पर क्रिमिनल एक्टिविटी अंजाम देते हैं, जिसके बाद पुलिस छापा मारती है और मकानदार भी जाने अनजाने में इसमें शामिल हो जाते हैं. तेलंगाना रियासत के कैपिटल हैदराबाद में पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिलकर गैर कानूनी चीज़ें जहाँ हो रही हैं वहाँ छापे मारते जा रही हैं और कई घरों पर छापा मारते हुए गैर कानूनी सामान जब्त किया गया. पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग और दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर छापा मारा और गैर कानूनी सामान जब्त किए. FIR रिपोर्ट जैसे ही दर्ज होती है पुलिस इस केस को लेकर होशियार हो जाती है और तेज़ी से गैर कानूनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक लेती है और कुछ गलत होने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है. पुलिस का कहना है तकरीबन क्रिमिनल एक्टिविटी रेंट के घरों पर कॉलोनीज में अंजाम दिए जाते हैं, तो मकानदारों को भी होशियार रहने की ज़रूरत है और किराएदारों की अच्छी तहकीकात करे बादी मकान रेंट पर दे, साइबराबाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम ने कहा. 5 आंगनबाड़ी टीचर्स को हिरासत में लिया गया मंचेरियल पुलिस की जानिब से. चीनों के इलाके से गैर कानूनी तरीके से दूध और अंडे बेचने जो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए थे. बताया गया कि ये 5 टीचर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से आंगनबाड़ी बच्चों के दूध, अंडे, दिगर बेकरी आइटम्स बेच रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है. आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है. ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है. साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है. बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है. 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है. मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर. हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है. स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है. फलक रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय. एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर.